दोस्तों बिहार का चर्चित आरती छोटू कांड किसी के भी नजरों से बचा नहीं हुआ, क्योंकि उस मामले ने पूरे देश पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया था। हम भी आरती के विरोध में थे उस समय जब छोटू, उसके कारण 2 बजे रात छोटू की हत्या हो जाती है और उसके परिवार को जेल हो जाती है, और आज उसका फैसला आ चुका है। ठीक उसका 1 साल भी नहीं बीतता, आरती उसके बड़े भाई से शादी कर लेती है जिसे वो भाई बोलती है, तब भी लोगों ने विरोध किया, हमने भी उसका विरोध किया, क्योंकि आरती इतनी पॉपुलर हो चुकी थी, वो चाहती अपनी ज़िंदगी को अलग भी बिता सकती। उसके बाद आरती तरह तरीके के वीडियोज डाल रही थी अभी कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, मेरे साथ ये हुआ, ये मेरे साथ वो हुआ। फाइनली आज आरती के जो छोटू के दोषी थे उनको सजा हो गई उम्र कैद की, 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हो गई। आप सभी ने देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वीडियोज वायरल हो रहे हैं आरती के भी, और तमाम मैंने हाईकोर्ट के वकील अभिनंदन भारती जी का बयान देखे, क्योंकि मैं जब तक सब कुछ छान नहीं लेती मैं किसी टॉपिक पर बात नहीं करती। कहते हैं ना बेटी के गुणों से कर्मों से कुल आगे बढ़ भी जाता कुलों का नाश भी हो जाता है। वहीं पे आरती और कई लोगों ने विरोध करा, क्योंकि जो आरती जैसे थे उनको लगा कि हम गलत कर रहे हैं। एक असहाय मजबूर जो प्यार करती थी उस लड़की के जो प्रेमी है उसकी मौत हो जाती है, उसका विरोध कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पहले हमें भी लगा था आरती असहाय मजबूर है, लेकिन जैसे ही आरती ने देखा, आरती ने उसके भाई से शादी भी कर ली और सोशल मीडिया पे तमाम जो ठुमके वगैरह लगाने लगी, वीडियोस बनाने लगी, अश्लील वीडियोस भी बनाने लगी, उसको लेके लोगों ने फिर से विरोध करना शुरू किया। कई लोगों ने फिर से गालियां दी, हालांकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हम अपनी बात रखते हैं, लोगों की अपनी राय हो, कैसे रिएक्ट करते हैं उनका अपना काम है। आज उन 8 लोगों को उम्र कैद की सजा हो चुकी है, और जब अभिनंदन भारती जी का मैंने बयान सुना तो उनके बयान सुन के मैं भी बड़ी सन्न रह गई, शॉक्ड हो गई, क्योंकि उनका कहना था आरती के पिताजी से कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी और मैंने इस केस से मैं पीछे हट गया था, क्योंकि उन्होंने ये बोला जिस कुल की बेटी, और क्योंकि हम ऐसे माहौल पे रहते हैं जहाँ गाँव है, समाज है, दुनिया है, और दुनिया वाले जब भी किसी को भी देख के हंसते थे, हमें ये महसूस होता कहीं हमें देख के तो नहीं हंस रहे, हम गांव के लोग थे, सीधे साधे सामाजिक लोग थे, हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो गया था बेटी के चरित्र के कारण, क्योंकि उसने ऐसा कांड किया था। 2 बजे रात छोटू अगर वहां नहीं जाता, आरती उसे नहीं बुलाती, तो छोटू के साथ वो जघन्य जो घटना हुई वो बिल्कुल भी नहीं होती, और जिसके दोषी पाए गए 8 लोग, क्योंकि जब अपराधी जब घटना ऐसी हो जाती है सिचुएशन में तो वह व्यक्ति दोषी ही कहा जाता है, और उन लोगों को सजा हो गई। तरह तरह लेके आरती पे आरोप लगते रहते हैं बीच में, लोग उसका विरोध भी करते हैं, लेकिन आज उन लोगों को दोष को उसके पिता को, भाई को, जीजा को, भाभी को, भाई को, माता को सजा हो चुकी है 8 लोगों को जो आरोपी थे इसमें। आरती के बयान देखे तो आरती कह रही थी कि मुझे नहीं इससे भी बड़ी उन्हें सजा मिलनी चाहिए थे, जो फांसी जैसी सजा, और खुशियां भी मना रही थी कि उनको फाइनली सजा मिल गई। लेकिन अभिनंदन भारती जो एडवोकेट है हाईकोर्ट के सरकारी वकील, उनका कहना है कि मैं 6 महीने बाद फिर से हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको अपील करके दोबारा इनको बेल दिलाऊंगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये एक घटना थी, लेकिन इस घटना ने पूरे देश पूरे जितने भी देश इस घटना को देख रहे थे सबको हिला के रख दिया। गांव की सीधी साधी लड़की, और जब सामाजिक मर्यादा होती ना, माँ बाप वैसी अपनी इज्जत के डर से वैसी मर जाते हैं, उनको मतलब जीते जी मर जाते हैं। वह हालत उस घर की हो गई थी, उस परिवार की हो गई थी, उसके पिता के बयान जब सुनते थे तो तकलीफ होता था। कई लोग कमेंट करते हैं कि अच्छा हुआ जो गुनहगार थे उनको सजा मिल गई। तो आप एक बात जरूर सोचिए, अगर मेरी बेटी या आपकी बेटी कोई ऐसे कुकृत्य करे, किसी लड़के को 2 बजे रात घर पे बुलाए, और हम ऐसी स्थिति में उस बेटी को देखते हैं जिसे हम देख भी नहीं सकते, क्योंकि हम सामाजिक हैं, हमारे लिए हमारी इज्जत सबसे प्यारी है, अगर हम ऐसी स्थिति में बेटी को देख लेते हैं तो हम क्या करेंगे, ये सोच कर अगर हम चले तो दूसरे के प्रति अपनी सोच को हम बदल सकते हैं। उस समय छोटी मोटी लड़कियों ने ही नहीं, बड़ी बड़ी बुजुर्ग महिलाओं ने भी हमारा विरोध किया कि हम आरती को गलत कह रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी क्लिप काट कर लगा दी गई, उस पर तमाम चीजें लिखी, क्योंकि हमने खुलकर विरोध किया आरती का। गलत चीज का हम हमेशा खुलकर विरोध करते हैं, दबे मुंह दबे पांव, या कोई हमारे पीछे पड़ा तो हम सोशल मीडिया से गायब नहीं हो जाते, उसका सामना करते हैं। हाँ, जिसका जवाब हमें लगता है देना चाहिए हम उसी का जवाब देते हैं, बाकी फालतू जो पब्लिसिटी के लिए लोगों को
ट्रोल करते हैं उनका जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। आरती जैसी लड़की हम तब भी विरोध करते थे जब उसने छोटू वाला मैटर हुआ, हम तब भी विरोध हमने किया जब उसने मोनू से शादी की, और मैंने तब उस पर वीडियो बनाई जब ये रो रो के कि मोनू ने मुझे मारा, किसी लड़की की वजह से मुझे मारा, तमाम चीजें सोशल मीडिया में कर रही थी। आप सोचिए ना, जिसका प्रेमी दुनिया से चला गया, उसने अपने जेठ जो भैंसू कहते हैं बिहार में उससे शादी कर लेती है, अपनी जिंदगी में सटल हो जाती है। और ये भी आरती ने अपनी मर्जी से किया, मोनू की जो हत्या हुई वो भी आरती की वजह से हुई। और दूसरी बात, आरती अब सोशल मीडिया पर किस वजह से कहती थी कि मोनू दूसरी लड़की के चक्कर में मुझे मारता है, तमाम तमाम व्यूज के चक्कर में, सोशल मीडिया में फेमस होने के चक्कर में आरती जो है अपने परिवार पे आरोप प्रत्यारोप लगाती रही। मैं यहाँ पे आरती के मायके का पक्ष कभी भी नहीं ले रही हूँ, और मैं हमेशा, क्योंकि बेटी है भैया, किसी की बेटी ऐसी हो सकती है, वो किसी की भी हो सकती, मेरी आपकी, तो मैं कभी भी माँ बाप पे ब्लेम नहीं लगा रही हूँ ना बेटी पे लगा। बेटी का कसूर है इसमें, अगर वो किसी को पसंद करती थी, जिद करती, इंतजार करती, अपने माँ बाप के आगे शर्त रख लेती कि मुझे उसी लड़के से शादी करनी है। 2 बजे रात बुलाने का क्या मतलब होता, कोई भी इज्जतदार व्यक्ति इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा कि 2 बजे रात कोई लड़का आया और उसके उसको ऐसी हालत में देखे माँ बाप, जिसे देखकर वो अपना आपा खो दे और ऐसी घटना हो जाए। यहाँ पे आरती के परिवार का देखा जाए तो कोई दोष नहीं है, और सोचने के लिए वो अपराधी है क्योंकि उनके हाथों से एक जान गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो वकील साहब हैं सुप्रीम अभिनंदन भारती जी, उनका कहना ये भी है, आरती 6 बीघा 6 एकड़ जमीन की मांग कर रही थी और कि मुझे जमीन दो, मैं आप सबको छुड़ा लूंगी। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है ये मैं यहाँ पे दावा नहीं कर सकती, क्योंकि वकील है वो अपना पक्ष रखेंगे, और मजबूती से जो वकील पक्ष रखता है वो कभी केस हार भी नहीं सकता है। तो वकील साहब ने अपनी बात रखी है कि आरती ने ये डिमांड रखी थी कि मुझे इतनी बीघा है, इतनी एकड़ समथिंग, या बीघा एकड़ में कुछ बोला है, 6 बीघा जमीन दे दो, मैं आपको बख्श दूंगी। जो बेटी अपने पिता से शर्त रखेगी, जो बेटी उस घर, क्योंकि आरती अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, जब आरती ने मोनू से शादी की थी तो हर किसी ने यही कहा था कि छोटू का मैटर अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आरती अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। जिस चीज के लिए आरती ने बोला था मैं जीवन भर काट दूंगी, आरती की, छोटू की विधवा बनकर रहूंगी, तो वह 6 महीने भी इंतजार नहीं कर पाई और 6 महीने के अंदर ही आरती ने शादी कर ली। और जो अभिनंदन भारती जी है उनका ये भी कहना है कि आरती जो थी उसका छोटू के अंतराल में उसका मोनू से प्यार हो गया, और इसी के चक्कर में उसने छोटू को रास्ते से हटा दिया। अब ये कितना सच है कितना झूठ है तो हम यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जो भी कांड हुआ उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदार आरती है। कमेंट्स में लोग ये भी कह रहे हैं इसकी सजा आरती को मिलनी चाहिए, कई लोग उसके पक्ष में भी है, कई लोग उसके विरोध में है, कई लोगों का कहना है कि आरती के गुनाहगारों को सजा मिल, छोटू के गुनाहगारों को सजा मिल गया, बहुत अच्छा हुआ, सब अपना अपना मत रख रहे हैं। लेकिन मैं आज की बच्चियों से यही कहना चाहूंगी, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसका अपने माँ बाप के आगे खुलकर बात रखो। सबसे पहले तो अगर आप प्यार करते हो अपने लिए ऐसा लाइफ पार्टनर चुनो जो आपके माँ बाप के दिल में जगह बना ले, और खुद माँ बाप आपका हाथ उसको देने को मजबूर हो जाए। अगर फिर भी आप किसी कारणवश किसी को पसंद करते हो तो इस तरीके से रात को अपने घर बुलाओगे तो खुद सोचो, अगर उसके साथ कोई घटना घट जाएगी, माँ बाप ऐसी सिचुएशन में बच्चे को नहीं देख सकते हैं, उसमें अगर कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार कौन है, ये सोचकर कमेंट में मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। आरती छोटू कांड ने बहुत तहलका मचाया उस समय, बहुत महा कहते हैं ना, बहुत उत्पात कटा, लेकिन आरती फेमस हो गई, आज उसके घर में हर चीज़ अवेलेबल है, उसके घर में वो चीज़ें जो कभी सपने में भी नहीं देखी, मोनू के घर में वो चीज़ें हैं। मोनू जॉब नहीं कर रहा, जो 7-8 हज़ार की नौकरी बाहर करता था वो घर पे बैठा है, वीडियोज़ बनाता है, उसके साथ साथ जब व्यूज डाउन हो जाता है ये लोग नया ड्रामा क्रिएट करते हैं। और आरती के पिता का कहना था मैं अपनी बेटी को सोशल मीडिया पे इस तरीके से नाचते हुए और इस तरीके की गंध फैलाते हुए कैसे देख सकता हूँ, पूरा परिवार उसे नचा कर जो खा रहे हैं और मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक पिता का तकलीफ है, इतना बड़ा डिसीजन कोई पिता सोच समझ के तो नहीं लेता, आरती का कहना था कि सोच समझ लेते तो ये ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसमें माँ बाप सोचने पे सोच भी नहीं सकते हैं। हम ही अपने बच्चे को ऐसी स्थिति में देखेंगे भैया हम क्या कर देंगे, हमें खुद पता नहीं। तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइए आरती छोटू मैटर पे आप क्या कहना चाहते हैं, कौन सही था कौन गलत था, फैसला आपको करना है। और हम अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे
पूरी हमें आजादी है भैया, अपनी बात रखेंगे। हमने पहले भी इस मुद्दे पर बात उठाई थी, जब बात हमारे समाज की आती है तो हम जरूरी उस पर बात करते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से, छोटी सी समाज से कहूँ, अपने वीडियो के माध्यम से मैं सच सच दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम वीडियो देखने चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।